सो हेलो फ्रेंड्स, एक कैसे आप सब लोग, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं चैनल टीएच इलेक्ट्रॉनिक्स पे। इस वीडियो में हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जिसमें कि हम कैपेसिटर को यूज़ करके देखेंगे कि हमारे साउंड में कैसे टाइप का फर्क आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोगों ने कई सारे वीडियोज़ में देखा भी होगा कि कैपेसिटर को यूज़ करके बेस बढ़ा देते हैं लोग। ठीक है, तो आज अपन उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। इसके ऊपर वैसे मैंने पहले एक बार वीडियो बनाया है, लेकिन ये डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है। इसमें आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा कैसे कैपेसिटर को कैसे टाइप से यूज़ करने से कैसा साउंड क्वालिटी आता है। ठीक है, तो उसके लिए अपन यूज़ कर रहे हैं अपना ये वाला बोर्ड 150 वाट का। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास 6.5 इंच का सबवूफर है। ठीक है, 150 वाट का बोर्ड है, लेकिन अपन सबवूफर यूज़ कर रहे हैं 55 वाट का। तो अपन इसको ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे नहीं चलाएंगे और मोनो आउटपुट में अपन इसका आउटपुट देखने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा मैंने कनेक्शन वगैरह वैसे पहले से कर चुका है। इसका जो ट्रांसफार्मर वगैरह पहले से कनेक्ट है, अपन इसमें से मोनो आउटपुट लेंगे। वैसे ये स्टीरियो बोर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको स्पीकर को इसके साथ कनेक्ट कर लूँगा और देखेंगे अपन कि कैपेसिटर को अपन किस तरीके से कनेक्ट करें इस बोर्ड के साथ, कि इसका या तो बेस बढ़ जाए या फिर इसमें से जो साउंड है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो दो तरीका होता है, दोनों तरीका आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, और फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज की इस वीडियो के गिव अवे के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 4558 IC के ऊपर बेस्ड आने वाला आपका ये सबवूफर फिल्टर बोर्ड। ठीक है, जैसे ही अपने ये वीडियो में 5000 व्यूज़ क्रॉस हो जाएगा एक महीने के अंदर अपलोड होने के बाद, तो इसका जो है मैं गिव अवे कर दूंगा। ठीक है, 3 विनर को 3 ठो ये बोर्ड डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी इसका क्राइटेरिया रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, चेक कर लेना कैसे पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अभी वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ऑडियो इनपुट दे देते हैं। तो ऑडियो इनपुट देने के लिए अपन अपने ये ऑडियो जैक को यूज़ करने वाले हैं। तो ऑडियो जैक को फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सिंपल ये वाले में कनेक्ट कर दे रहा हूँ, और इस साइड का जो अपना आउटपुट है, ये आउटपुट में ये जो रेड टाइप का वायर है ये अपना पॉजिटिव वाला है, तो इसको मैं देख करके इसमें पॉजिटिव में कनेक्ट कर ले रहा हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख सकते हैं कनेक्शन अपना पूरा हो चुका है। यहाँ पे अपना सबवूफर कनेक्ट हो चुका है एम्पलीफायर से, और इनपुट भी हमने दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सॉन्ग प्ले करके देखेंगे नॉर्मल साउंड में विदाउट कैपेसिटर। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे कैसे कैपेसिटर को कनेक्ट करना है कि आपका साउंड क्वालिटी चेंज हो जाएगा पूरा उसमें। ठीक है, तो चलिए अभी सॉन्ग प्ले करके देख लेते हैं। बहुत सारे सॉन्ग टेस्ट किए हैं, लेकिन जो अपना सबवूफर के साथ टेस्ट करने के लिए यही वाला सॉन्ग थोड़ा सा फिट बैठता है इसमें, मतलब बेस वगैरह और वोकल्स अच्छे से पता चल पाता है। ठीक है, तो चलिए अभी पहले मैं एम्पलीफायर को पावर ऑन कर ले रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो कोई हमिंग वगैरह ऐसा समझ में नहीं आया अपने को। यहाँ से मैं साउंड कम कर लेता हूँ ताकि अपना स्पीकर उड़ मत जाए इसमें चालू होते ही। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग इसका नॉर्मल साउंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने देखा ये जो है नॉर्मल साउंड अपना एम्पलीफायर से। अभी अपन देखेंगे कैपेसिटर लगा के इसको बेस कैसे बढ़ाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सॉन्ग चलते हुए मैं अभी आप लोगों को इस कैपेसिटर लगा के दिखाने वाला हूँ कैसे टाइप का साउंड क्वालिटी आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा साउंड फुल कर रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड जैसे ही कैपेसिटर कनेक्ट हुआ आप लोगों ने डिफरेंस देखा होगा साउंड में क्या है। अब मैं यहाँ से फुल कर देता हूँ साउंड। तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने देखा ये जो हमने दिखाया कि बेस कैसे बढ़ाएंगे कैपेसिटर से, उसका मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। ठीक है, तो अभी अपन इसमें देखेंगे कि कैपेसिटर का ही यूज़ करके अपन इसका बेस को पूरा कम कर देंगे और सिर्फ ट्रेवल आएगा। ठीक है, तो उसके लिए कैसे करते हैं मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले अपन यहाँ से सॉन्ग प्ले कर लेते हैं यहीं। ठीक है, हाफ मैं वॉल्यूम रख रहा हूँ, अब देखेंगे इसका बेस पूरा ख़त्म करेंगे। यहाँ से अपन कोई एक टर्मिनल निकाल देंगे, जैसे मैंने पॉजिटिव निकाल दिया, तो यहाँ स्पीकर का अगर पॉजिटिव आप निकाल रहे हैं तो स्पीकर में पॉजिटिव लगाएंगे, और आपका जो इसमें से आ रहा है एम्पलीफायर में उसमें नेगेटिव लगा देंगे। अब देखेंगे आप लोग बेस बिल्कुल नहीं आएगा, एकदम कम आएगा इसमें। अभी थोड़ा साउंड टेस्ट करता हूँ मैं। अब डायरेक्ट लगा के देखते हैं, अब डायरेक्ट लगा के देखते हैं एम्पलीफायर को। अभी आप लोग बेस देखेंगे और अब देखेंगे। अब देखेंगे डायरेक्ट।
ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने क्लियर इसका डिफरेंस देख लिया होगा कि हमने जो है कैपेसिटर लगा के इसका बेस को बढ़ा भी दिया, बेस को कम भी कर दिया। आप लोगों को जैसा करना है, आप लोगों का देसी जुगाड़ इसको बोल सकते हैं कि आप लोग सिर्फ एक कैपेसिटर की मदद से इसमें या तो आप लोग अपने एम्पलीफायर का पूरा बेस को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर आपके एम्पलीफायर से सिर्फ ट्विटर के लिए क्लियर आपका साउंड यानी कि आवाज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो दोनों ही काम आप एक कैपेसिटर, छोटे से कैपेसिटर की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से मैंने कनेक्ट किया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। और कैपेसिटर का फ्रेंड्स कई लोगों का मन में सवाल होगा कौन सा यूज़ करा है मैंने, ठीक है। तो मैंने जो यूज़ किया है वो है फ्रेंड्स 100 माइक्रोफेरेड 63 वोल्ट का। आप लोग कोई सा भी आपके पास अवेलेबल हो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम यही वाला यूज़ करना है। आप 200, 1000, 2000 माइक्रोफेरेड जो भी जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का बेस जो है बढ़ सकता है, ठीक है। और आवाज़ के लिए आप लोग जितना कम यूज़ करेंगे उतना सही रहेगा, ठीक है। तो वैसा टाइप का आप लोग कुछ ले सकते हैं। इसमें मैंने एक मीडियम रेंज का आप लोगों को लेकर दिखा दिया है। आप लोग कम या ज़्यादा कोई भी वैल्यू का कैपेसिटर यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लोग डायरेक्ट स्पीकर पर अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सिंपल सा एक कनेक्शन मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग जो है बेस कैसे बना सकते हैं विदाउट आपका सबवूफर बोर्ड। फिर भी मैंने जो है आप लोगों के लिए सबवूफर बोर्ड का गिव अवे कर दिया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो सिंपल से स्टेप रहेगा इसको पार्टिसिपेट करने के लिए। आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है, एक कमेंट करना है, अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपको मैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करना है, ठीक है। और आप जो है गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। छोटा सा वीडियो था लेकिन इन्फॉर्मेटिव था, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।